Hi everyone, this is Satyam and welcome back to my channel. So today's video is all about a stream known as biotechnology. So many of us, after passing our 12th standard, we opt for biotechnology, and I figured out that there is a lot of myth and misconceptions and doubts regarding the subject. Students don't actually have a clear picture regarding the subject and they actually opt for it. Therefore, I just thought like I should actually take an initiative and explain what biotechnology is all about. So being a graduate in biotechnology from a very premier institute in India, which is considered to be the best for biotechnology, I thought like I should tell you all what biotechnology is all about. So basically, the application of technology in biology is known as biotechnology, or isme partial MBBS, partial engineering, or kuch subjects jaise ki plant biology, plant biotechnology, cell biology, molecular biology, genetics, immunology, pharmacology, anatomy, physiology, physics, chemistry, biology, ye sare subjects bhi involved hain. Aur fir ye tino cheeze, matlab kuch parts of MBBS, engineering, aur ye special subjects mil karke biotechnology banate hain. तो बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके पास 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो फिर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऑप्ट कर सकते हो. और ये सब्जेक्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड है. जितनी थ्योरी पढ़नी होगी उससे कहीं ज्यादा ही प्रैक्टिकल्स होंगे. हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व हैं. और आपको डिसेक्शन से डर नहीं लगना चाहिए, बिकॉज डिसेक्शंस भी इन्वॉल्व हैं. और ऑलमोस्ट मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में डिसेक्शंस इन्वॉल्व हैं. और जो एमबीबीएस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, उनमें से एनाटॉमी में डेड बॉडी पे काम करना भी पड़ सकता है. हमें करना पड़ा था. तो जो भी बच्चे इसको ऑप्ट करे, वो इन सब बातों को पहले से दिमाग में रख के ऑप्ट करे, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि वो कोई फैंसी पिक्चर इमेजिन करके इस सब्जेक्ट में जाएं और वो बाद में उनके अकॉर्डिंग ना निकले, तो फिर दे विल बी रियली सैड अबाउट इट. सो दीज आर द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी. सो यू शुड बी रियली रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड गो फॉर इट. एंड ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें यू विल गेट टू नो लाइक हाउ अ डिजीज अकर्स इन अ ह्यूमन बीइंग, हाउ इट प्रोग्रेसेस एंड हाउ इट कैन बी क्योर्ड. सो ऑन टोटालिटी द सब्जेक्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट यू नीड टू बी रियली गुड एट डिसेक्शंस, गुड एट प्रैक्टिकल्स, एंड यू शुड हैव अ थरो एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज दिस सब्जेक्ट कैन नॉट बी मग्ड अप. इट हैज टू बी लर्न, इट हैज टू बी अंडरस्टूड, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू यू नो लाइक विथ एक्सपीरियंस यू हैव टू गेन अ लॉट ऑफ knowledge regarding the subject in order to grab great opportunities which are available in the market and earn on a higher end. Biotechnology ek aisa subject hai jisme ki aap graduate tak nahi reh sakte. Like India mein aur bhi other subjects hain jisme ki insaan agar graduate ho to use achhi job lag jati hai, but aap agar biotechnology padh rahe ho to sirf graduate nahi reh sakte. You have to make up your mind that you have to go for MSc in biotechnology or microbiology or जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, और इनमें से कोई भी. और आप पीएचडी की ओर भी बढ़े, बिकॉज ये सब्जेक्ट एक रिसर्च की ओर जाता हुआ सब्जेक्ट है. और इस सब्जेक्ट को लेने से पहले ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अल्टीमेटली दिस विल लैंड इनटू रिसर्च, एंड आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू गेट अ जॉब इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, और मे बी आई कैन ज्वाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, और मे बी आई लैंड इनटू अकेडमिक्स. तो इसलिए इस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज काफी डीप और अच्छी होनी चाहिए. और आप इमीडिएटली तो बहुत ज्यादा अर्न करना नहीं शुरू करते, विथ टाइम जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तब आपकी इसमें सैलरी एंड पैकेजेस भी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है. बहुत सारी बिग कंपनीज हैं इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि दे लाइक रिक्रूट बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड प्रेफरेबली विथ अ मास्टर्स डिग्री. एंड व्हेन यू होल्ड अ मास्टर्स डिग्री, देर आर चांसेस ऑफ अर्निंग अ रियली हाई इनकम इन बायोटेक्नोलॉजी इवन इन इंडिया. बट यू गेट मच बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज इफ यू ऑफ फॉर यूएस, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूके. So there are opportunities greater in these countries rather than in India. There you have to apply and then you have to follow their norms and procedures, and this is how you can get great jobs in biotechnology. Or
बेसिकली इस सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी दो तरीके की होती है, इधर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जो कि 3 इयर्स प्रोग्राम है, 6 सेमेस्टर्स इन्वॉल्व है, या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जो कि 4 ईयर प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर्स इन्वॉल्व है। और लास्ट सेमेस्टर वो हमेशा प्रोजेक्ट सेम होता है, प्रोजेक्ट सेमेस्टर होता है। और इसमें या तो आप प्रोजेक्ट आपके डिपार्टमेंट में, आपके कॉलेज में जो अंडरगोइंग प्रोजेक्ट है, यू कैन ईदर ऑफर दैट और यू आर असाइन दैट, और यू कैन अप्लाई फॉर द प्रोजेक्ट्स विच आर अंडरगोइंग इन अदर कॉलेजेस, अदर यूनिवर्सिटीज और अदर रिसर्च सेंटर्स, एंड इफ यू गेट अ अपॉर्चुनिटी यू कैन रियली अवेल दैट एंड यू कैन कैरी ऑन द प्रोजेक्ट सेम there. It can be either in India or abroad. So in my college I was assigned the project name as diabetic foot ulcer. Diabetic foot ulcer was an ongoing project at that time in my college, and I got an opportunity to contribute from my side by working on certain strains of citrobacter and candida species which was responsible for causing diabetic foot ulcer. So for that fresh blood samples were brought from the hospital, and I used to segregate the DNA and used to carry out multiple procedures which were involved. I even did the antibiotic testing and figured out like which antibiotic was the best for killing that particular strain of bacteria which was causing this particular kind of disease. And many people from my batch, they were assigned projects regarding cancer, because many cancer projects was undergoing in my college, and they concluded quite a number of things. So yeah, you get opportunities to work on such great projects when you offer this particular subject. So this subject is quite vast, and it has great opportunities, great learning opportunities, and you'll get to know a lot about the functioning of our human body, its metabolism, the diseases, how they are caused, how they are cured, and quite a number of things. So it's quite interesting, but at the same time you need to have patience to learn a lot, because it will be only with time that you will be able to learn a number of things. Like graduation will take 3 years of your time, master's will take 2 years of your time, and if you go on for PhD it may take 6 to 8 years of your time. So time is required, and that's why I'm saying you need to have a lot of patience in order to excel in this particular field. But then you get to learn a lot in return, and which is worth the wait, and which is worth the patience that you need to hold on to. So I guess I covered everything regarding the subjects which are studied, the eligibility criteria, the kind of jobs that you can get in biotechnology, and the career and future that you can have. And yes, in India, the companies are mostly in Hyderabad and then Bengaluru and New Delhi. So if you want to work in any of the biotechnological firms, you need to target these cities and the companies available there, apply there and follow the norms and procedures. So I guess I told you a lot about biotechnology. And yes, many people are there like who want to change their stream after biotechnology, and so they don't go on for masters in biotechnology, instead they go on for MBA. So even that is a good option, like if somebody is they want to divert a bit, and they can enter the MBA background, and then they can enter into the healthcare institutes or healthcare organ, and choose this subject only when you have a passion for it. It should never be an option. So all the best, and I'll see you next week with a super new video on a super new topic. Till then, if you have any queries, any questions or any topics in your mind, you can post that in the comment section, and I'll see you next week. Till then, stay tuned, keep watching, keep smiling. Bye-bye. Take care.